हेलो फ्रेंड्स, आप सभी मित्रों का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल डी के सैनी भजन सीरीज में स्वागत है। तो दोस्तों, हारमोनियम लेसन की अगली कड़ी में हम लेकर आए हैं लेसन नंबर जो है हमारा वो है 8वें नंबर का लेसन है और थाट है हमारी भैरवी थाट है वो 6ठे नंबर की थाट है। इससे पहले मैंने जो 5 थाट है वो बता दी है और लेसन हमने 7 लेसन हमने हारमोनियम के वो हमने अपलोड कर दिए हैं। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं या वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो दोस्तों चैनल से जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब के साथ में घंटी के जो निशान है नोटिफिकेशन बेल का उसे आप जरूर दबाएं और वीडियो को करें लाइक। तो दोस्तों, यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उन्हें भी आप जरूर देखें। यदि आपने नहीं देखी है तो उनका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाकर चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, हारमोनियम लेसन काफी इम्पोर्टेंट है जो भैरवी थाट में आज आपको बताने जा रहा हूँ। इस भैरवी थाट के ऊपर ढेरों सारे भजन हैं, ढेर गाने हैं, लेकिन दोस्तों भैरवी थाट का जो अंदाज है इसको गाने का काफी खूबसूरत आता है। भैरवी थाट से भैरवी राग का निर्माण भी होता है, बहुत सारी रागों का निर्माण इस थाट से होता है। तो दोस्तों, हम समझते हैं भैरवी थाट के बारे में। आप देख सकते हैं ये है हमारी लेसन नंबर 8 है, लेसन नंबर 7 हमने यहाँ पर बता दिया था। ये हमारा लेसन नंबर 8 है, थाट है हमारी भैरवी थाट। इस भैरवी थाट के अंदर हम आपको बात बताएंगे कि इस भैरवी थाट के अंदर जो 7 स्वर होते हैं उन 7 स्वरों में से कौन कौन से स्वर हैं वो कोमल स्वर लगते हैं और कौन कौन से जो स्वर होते हैं वो शुद्ध स्वर लगते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम स्वरों की बात कर लेते हैं। आप 7 स्वरों को तो आप जानते होंगे, सारे गामा पाधनी होते हैं, लेकिन दोस्तों आप कोमल और शुद्ध स्वरों के बारे में नहीं जानते हैं। इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, आगे भी मैं इसके ऊपर पर्सनल एक वीडियो बनाने वाला हूँ। थाट जैसे थाट कंप्लीट होंगे, 10 थाट होती है, बेसिक थाट 10 होती है, 10 थाट जैसे कंप्लीट हो जाएंगी उसके बाद में मैं हारमोनियम पर अंगुली कैसे फास्ट बजाएं, कर्ण स्वर कैसे लगाएं और किसी भी भजन या गाने को कैसे सर्च करें वो सारी आगे मैं आपको डिटेल्स दूंगा। उससे पहले हम बात कर लेते हैं आज भैरवी थाट के बारे में, जिसमें जो स्वर लगेंगे कौन कौन से स्वर तो शुद्ध काम आएंगे और कौन कौन से स्वर जो है इसमें कोमल काम आएंगे। तो दोस्तों, भैरवी थाट जो होती है उसके अंदर चार जो स्वर होते हैं, सबसे ज्यादा स्वर 7 स्वरों में से 4 स्वर कोमल स्वर होते हैं इस थाट के अंदर। क्या होते हैं? कोमल स्वर। और बाकी जो 3 स्वर होते हैं वो लगते हैं इसमें केवल शुद्ध। 3 स्वर होते हैं इसमें शुद्ध स्वर। आप चाहें तो नोटबुक में उतार सकते हैं या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैं जैसे कंप्लीट कर लूंगा उसके बाद में आप वीडियो को रोककर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों, 3 स्वर तो शुद्ध स्वर काम आएंगे और जो 4 स्वर हैं इसके अंदर कोमल स्वर काम आएंगे। तो दोस्तों, अब हम 7 स्वरों की बात कर ले तो 7 जो स्वर हैं इस तरीके से लिखेंगे हम। मैं यहाँ पर आपको हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के अंदर बता रहा हूँ, आप देख सकते हैं। पहले हम हिंदी मीडियम के अंदर बात कर लेते हैं। सा रे गा मा पा धा और एक स्वर है नी। अब ये जो 7 स्वर हैं, इन 7 स्वरों में से ऐसे कौन से 4 स्वर हैं जो कोमल स्वर हैं? तो दोस्तों, आप अभी से याद कर लीजिए, जो भैरवी थाट होती है भैरवी थाट के अंदर रे गा धा और नी, रे गा धा नी क्या लगते हैं? भैरवी थाट के अंदर कोमल स्वर लगते हैं। तो दोस्तों, कोमल स्वरों को हम हिंदी के अंदर किस प्रकार से लिखते हैं? इसके नीचे एक ऐसी लाइन खींच देते हैं, इसका मतलब होता है कि ये कोमल स्वर लग रहा है। यदि आप गूगल पर भी सर्च करोगे तो इस तरीके से मिल जाएगा, या फिर यहाँ पर ऐसे मिलेगा आपको के लिखा हुआ, तो आप कंफ्यूज ना हो, के का मतलब होता है कोमल। यहाँ पर इंग्लिश के अंदर कोमल लिखा हुआ हो सकता है, तो आप कंफ्यूज ना हो, के का मतलब होता है कोमल, और यदि नहीं लिखा हुआ हो तो इसका मतलब है वो है शुद्ध स्वर। तो सा रे गा मा पा धा नी, इन 7 स्वरों में से रे गा धा नी, रे गा धा नी इसके अंदर क्या लगते हैं? कोमल स्वर लगते हैं। तो ये हो गया भैरवी थाट का। यदि हम इंग्लिश के अंदर बात करें तो इंग्लिश के अंदर हम सा को लिखेंगे एस, ये कोमल स्वर को हम लिखते हैं छोटी एबीसीडी के अंदर स्मॉल लेटर में, ये रे हो गया। गा इस तरीके से लिखेंगे, मा को इस तरीके से लिखेंगे, पा को इस तरीके से, धा और नी को ये कोमल स्वर है इसलिए हम ये छोटी एबीसीडी के अंदर इन्हें हम लिखेंगे। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं रे गा धा और नी, रे गा धा नी, ये जो 4 स्वर है वो कोमल स्वर लग रहे हैं भैरवी थाट के अंदर। बाकी जो बच गए जो स्वर वो क्या है? शुद्ध स्वर है। तो दोस्तों, आप वीडियो को रोककर चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और यदि आप नोटबुक में नोट कर रहे हो तब तो अच्छी बात है, आप देख सकते हैं।
वीडियो को रोककर आप स्क्रीनशॉट ले लें। यहाँ पर चार स्वर हैं जो कोमल काम आ रहे हैं, रे गा धानी। तो मैं हारमोनियम पर आपको बजा के बताऊंगा, आप देख सकते हैं इस तरीके से ये प्ले होगा। रे गा धानी, चार जो स्वर है वो इसमें कोमल काम आएंगे भैरवी थाट में। तो देखिए मैं सिखा रहा हूं आपको सी शार्प से, इसको हम मानते हैं सा। तो अब इसमें हम बात करेंगे कोमल स्वर कौन कौन से हैं भैरवी थाट के। देखिए इसमें लगेंगे रे गा धा नी कोमल। तो दोस्तों आपको पता है जो शुद्ध स्वर होते हैं वो सात होते हैं, कौन कौन से होते हैं देखिए, सा रे गा मा पा धा नी सा। ये जो सात स्वर हैं ये होते हैं शुद्ध स्वर, जो कि बिलावल थाट के होते हैं। लेकिन हम यहाँ पर कोमल स्वरों की बात भी कर रहे हैं, चार स्वर इसमें कोमल है। रे गा धानी, रे गा धानी, चार स्वर है इसमें कोमल है। देखिए ये हो गया सा भैरवी थाट के अंदर, ये सा, ये रे होता है शुद्ध। लेकिन इससे पहले वाला जो बटन है ये, इससे पहले वाला बटन है ये हो जाएगा रे कोमल। ये गा शुद्ध होता है लेकिन ये हो जाएगा गा कोमल। तो रे कोमल और गा कोमल, सा रे कोमल गा कोमल। आप चाहे तो जैसे जैसे मैं बताते जाता हूँ उस साथ के साथ में आप भी हारमोनियम पर देखते रहें, वीडियो को आप स्टार्ट कर लें और आगे आप फोन रख लें यहाँ पर, और साथ में जैसे मैं बताता हूँ उस तरीके से आप भी हारमोनियम रखकर प्रैक्टिस करें तो काफी अच्छा समझ में आएगा। ये हमारा हो गया सा, ये रे कोमल, ये गा कोमल, मा इसमें शुद्ध है, पा शुद्ध है, धा कोमल है, ये धा कोमल है, ये धा शुद्ध होता है, धा शुद्ध है, ये यहाँ पर धा कोमल काम आएगा, ये नी शुद्ध होता है लेकिन यहाँ पर नी कोमल काम आएगा, और ये तार सप्तक का सा। तो रे गा धा और नी, रे गा धा नी, ये जो चार बटन है, ये चार बटन क्या है इसमें कोमल स्वर है। तो दोस्तों मैं बजाकर बता देता हूँ, इस तरीके से प्ले होगा। देखिए ये सा हो गया, सा रे गा मा। अंगुली में किस तरीके से रख रहा हूं, इस तरीके से आप रखें ताकि आप हारमोनियम फास्ट बजा सके। सा रे, रे पर अंगूठा रखेंगे, गा पर ये फिंगर, मा पर ये फिंगर, इस तरीके से फिर ऐसे रख के हम नेक्स्ट हम बात करेंगे इस तरीके से। देखिए सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। ये हो गए थाट भैरवी। तो आप इसकी प्रैक्टिस करें, यहाँ पर रे गा धा और नी चार जो बटन है वो कोमल है, चार जो सुर है इसके अंदर कोमल काम आते हैं, बाकी जो सुर हैं वो शुद्ध रहते हैं। तो देखिए इस तरीके से आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करें, फिर धीरे धीरे अंगुलियों को फास्ट करें। दोस्तों इस तरीके से आप प्रैक्टिस करें ताकि आप हारमोनियम फास्ट बजा सके। इस भैरवी थाट के ऊपर बहुत सारे भजन, बहुत सारी गजल, बहुत सारे जो सॉन्ग है वो गाए गए हैं। आगे जो चर्चा करेंगे हम रागों के बारे में, तो वहां पर आपको एक एक भजन और एक एक सॉन्ग आपको सिखाया जाएगा किस तरीके से हम इस थाट के अंदर प्ले करते हैं। तो दोस्तों आज की जो भैरवी थाट है वो यही कम्प्लीट होती है। नेक्स्ट थाट के अंदर जो हम बात करने वाले हैं वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।